आज हम बात करने वाले हैं IBPS RRB स्केल 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो मैंने एग्ज़ाम खुद भी दिया था, 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को था मेरा एग्ज़ाम। तो जो एग्ज़ाम में मैंने चीज़ नोटिस की, तो एक चीज़ तो ये थी कि बच्चे काफ़ी कम आए थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। दूसरी चीज़ ये थी कि इंटरफेस के कारण, जो हिंदी और इंग्लिश सेम पेपर में दिया गया, अलग अलग लैंग्वेज नहीं दी गई, उस कारण से बच्चों का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। जैसे कभी कभी कर्जर को सेट करने में, ऊपर नीचे करने में ही टाइम वेस्ट हो जाता था बच्चों का। तो अगर माना जाए तो 45 मिनट के पेपर में अराउंड 5 मिनट तो बच्चों के इसी में वेस्ट हुए, तो 5 से 10 अटैम्प्ट तो वैसे ही बच्चों के कम हो गए। साथ ही साथ जो लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल था पेपर का, वो 2019 के कंपेरिजन में हल्का सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मतलब लास्ट ईयर का पेपर 2020 के कंपेरिजन में ईजी था। और जो एक चीज़ हुई है वो ये हुई है कि एकदम से एडमिट कार्ड आने के कारण काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देने भी नहीं पहुंच पाए, तो इस कारण से भी कट ऑफ पे इस चीज़ का भी असर पड़ेगा। मेरे खुद के काफ़ी फ्रेंड्स के पेपर छूटे हैं इसी कारण से, इसलिए मैं ये चीज़ कह सकता हूँ। और मैंने एग्ज़ाम सेंटर में भी काफ़ी बच्चों से बात की, उनके अटैम्प जो एवरेज बच्चे थे उनके अटैम्प 50 के अराउंड ही थे। तो जो 60 से ऊपर भी अटैम्प्ट किए हैं वो गिने चुने ही बच्चे हैं, और एक्यूरेसी कितनी है ये उन्हें ही पता होगा कि एक्यूरेसी उनकी कितनी होगी, वो तो वक्त बताएगा। बाकी कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा जितना लोग बताते हैं कि उनने 60 अटैम्प्ट किए, 65 अटैम्प्ट किए। मैंने पोल करवा के भी देखा था, पोल का रिजल्ट भी ये था कि 45 से 55 के बीच के ही बच्चे ज़्यादातर थे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 60 से ऊपर नहीं जा सकता, कई कई स्टेट्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम है, और लास्ट ईयर भी वहाँ का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ का कट ऑफ 60 टच कर सकता है। अब जैसे मैं आपको वैकेंसीज बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश की है, लास्ट ईयर थी 160 वैकेंसी, इस साल थी 162 वैकेंसी, मतलब सिर्फ 2 वैकेंसी बढ़ी थी, जो कि ना के बराबर है। तो कट ऑफ भी जो इसका था लास्ट ईयर वो 58.50 था, तो इस साल भी जो इसका कट ऑफ जाएगा उसको सिर्फ प्लस माइनस 2 कर दीजिए आप, बस इससे ज़्यादा नहीं जा सकता और इससे कम भी नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट इतना ही कट ऑफ इसका जाएगा। बिहार का कट ऑफ बढ़ सकता है क्योंकि बिहार की वैकेंसीज आधे के लगभग हो गई हैं लगभग, और साथ ही साथ बिहार में पढ़ने वाले बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यूपी और बिहार में ही सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करने बच्चे बैठते हैं, तो यहाँ का कट ऑफ 60 प्लस जा सकता है। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ कम होगा क्योंकि वैकेंसीज यहाँ 4 गुना बढ़ गई हैं। लास्ट ईयर थी 25 वैकेंसीज और इस साल हो गई हैं 100 वैकेंसीज, तो इसका कट ऑफ आप मान लीजिए 50 से 52 के बीच ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने की कोई भी संभावना है। गुजरात का कट ऑफ बढ़ सकता है, वैसे गुजरात का लास्ट ईयर काफ़ी कम कट ऑफ था, इस साल भी 45 से 50 के बीच ही जाएगा गुजरात का कट ऑफ। जो मेजर स्टेट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 230 वैकेंसीज है और लास्ट ईयर भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, तो इसका जो कट ऑफ है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद भी मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ, मैंने इधर एग्ज़ाम दिया था तो मैंने देखा काफ़ी कम बच्चे आए थे, लैब्स उतनी ही यूज़ हुई हैं बट सिस्टम छोड़ छोड़ के, मेरे ही रो में सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ था, उसके अलावा कोई भी नहीं था, और शिफ्ट पे भी वेरी करता है। अब जैसे मेरे अटैम्प थे 58, तो मेरे 100% एक्यूरेट मैंने अटैम्प किए हैं, तो मुझे पता है एक्यूरेसी के मार्क्स 5 से 6 नंबर मिलते हैं, लास्ट ईयर भी मुझे मिले थे, तो मार्क्स आपके वहाँ भी बढ़ेंगे अगर आपकी एक्यूरेसी है अच्छी। तो जो 45 नंबर का भी क्वेश्चन करके आए हैं, 45 क्वेश्चन भी अटैम्प करके आए हैं और 100% एक्यूरेट है उनके, तो उनके भी चांसेस हैं कि सिलेक्ट हो जाएं वो इस एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्ट नहीं हो सकते, लोगों के 5-5, 6-6 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं, तो डिप्रेस होने की कोई भी बात नहीं है। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो इधर का कट ऑफ भी 52 से 56 के बीच ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इधर का कट ऑफ। और बाकी जहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी बहुत बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, ना के बराबर बढ़ी हैं, तो वहाँ का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 2 नंबर बढ़ सकता है या 2 नंबर घट सकता है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं आएगा वहाँ। अब जैसे यूपी की बात की जाए तो यूपी की लास्ट ईयर थी 345 वैकेंसीज और यहाँ पे आप देखिए 1718 1718 वैकेंसीज हो गई हैं, कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ 60 जाएगा तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, यहाँ का कट ऑफ लगभग जाएगा 50 से 54 के बीच, इससे ज़्यादा यहाँ का नहीं जा सकता क्योंकि वैकेंसीज आप देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई। प्लस जो लोग बोलते हैं कि यूपी से काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं, तो कोरोना के कारण काफ़ी लोग पहुँच भी नहीं पाए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसको आप कैसे कह सकते हो कि ये 60 पहुँच सकता है? आप खुद देखिए, लास्ट ईयर 345 थी, तब 58.75 था, तो अब तो इतनी वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल का बढ़ेगा क्योंकि वेस्ट बंगाल में 50 वैकेंसी कम हुई है, लास्ट ईयर 250 थी, अब 200 हो गई हैं, तो कट ऑफ इसका जा सकता है 57 से 60 के बीच। बाकी 60 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई कट ऑफ जाएगा इन स्टेट्स का। जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल 50% से ज़्यादा गिर चुकी हैं वैकेंसीज, वहाँ का जा सकता है। अब जैसे कर्नाटका और केरल की बात करें तो या तो वैकेंसीज ही नहीं है इस साल,
तो अब अगर एनआर ने मतलब जो नॉट रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं वो एग्जाम के रिजल्ट से पहले रिपोर्ट कर दें तो कोई कट ऑफ जा सकता है, अदरवाइज तो इधर के बच्चों का कुछ होना नहीं है। झारखंड का कट ऑफ भी कम जाएगा, झारखंड में वैकेंसीज 20 बढ़ चुकी हैं, तो इधर का भी ऐसे ही जाएगा 55 से 57 कह रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, बहुत सारे रीजंस हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया इंटरफेस की इतनी दिक्कत आ गई है कि कर्जर ऊपर नीचे करने में, बच्चों को ऑप्शन सेलेक्ट करने में पजल आई हुई है, पजल कम्प्लीटली दिख नहीं रही है, तो आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ऑप्शन भी आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, डीआई दिया हुआ है तो सेट करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम उसमें बच्चों का वेस्ट हुआ है। मैं तो सिर्फ 5 मिनट बोल रहा हूँ, बाकी और भी लोगों का जिनकी हैबिट नहीं है कंप्यूटर चलाने की उनको दिक्कत हुई है, क्योंकि जनरली लोग जो मॉक टेस्ट होते हैं वो मोबाइल से देते हैं, पर जिनके 45 से 55 के बीच हैं उनके भी काफ़ी चांसेस हैं एग्जाम में सिलेक्ट होने के, अगर उनके 100% एक्यूरेट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी अगर आप इसके मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर या फिर करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, मैं कंप्यूटर का भी लेके आने वाला हूँ क्लासेस बहुत ही जल्द, तो आपका कंप्यूटर भी इसके मेंस के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर मैं वीकली डालते ही हूँ, और आपको डेली करंट अफेयर देखना है तो मैं एक चैनल की लिंक आपको डाल दूंगा, आप वो चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो डेली करंट अफेयर डालती हैं मैम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।